आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास का ट्वीट, कहा 1000 रुपए के नए नोट जारी करने को नहीं है योजना, केवल 500 के नोटों की सप्लाई पर रहेगा ध्यान। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बिगड़े बोल, कहा मोदी का बाप कौन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ही बताया गेंडा, सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रचार के लिए पहुंचे थे रायबरेली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पीएम मोदी के कब्रिस्तान और शमशान के बयान पर पलटवार, दागे सवाल, मोदी बताएं जहां बीजेपी की सरकार वहां बनवाए कितने शमशान। इंदौर में एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद वरुण गांधी का हल्ला बोल, कहा कर्ज पर किसानों ने की आत्महत्या, माल्या लेकर भागा पैसे, रोहित वेमुला के सुसाइड का उठाया मुद्दा। और गुरुवार से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले कप्तान कोहली का ऑस्ट्रेलिया को 2-2, कहा ऑस्ट्रेलिया कोई खास टीम नहीं, दूसरी विपक्षी टीमों की तरह ही है ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशल लाइव और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोटों को जारी किए जाने के बाद 1000 रुपए के भी नोट जारी किए जाने की खबरों का सरकार ने खंडन किया है। बुधवार को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ट्वीट कर बताया कि सरकार की 1000 रुपए के नए नोटों को जारी करने की कोई योजना नहीं है। दास ने ट्वीट में लिखा है, 1000 रुपए के नोटों को जारी करने की योजना नहीं है, हमारा पूरा फोकस 500 और उससे छोटे नोटों के प्रोडक्शन और उनकी सप्लाई पर है। यूपी के चुनाव मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी कूद पड़े हैं। कल लालू कांग्रेस एसपी गठबंधन के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे तो पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी के लिए लालू यादव ने मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लालू की तरफ से दी गई गाली पर जब भीड़ की ताली पड़ी तो लालू मर्यादा की सीमा लांघते चले गए। दरअसल लालू ने लोगों से पूछा कि मोदी का बाप कौन है। इतना ही नहीं, लालू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को गैंडा तक बोल दिया। लालू सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। यूपी के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा गूंज रहा है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। मायावती ने पीएम मोदी से पूछा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां कितने शमशान बनाए गए हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने फतेहपुर की रैली में पहली बार धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर यूपी के चुनाव में खड़ा हुआ तूफान शांत नहीं हो रहा है। मायावती जब प्रचार के लिए बस्ती पहुंची तो कहा कि यूपी में उनकी जब भी सरकार रही कभी भेदभाव नहीं किया गया। मायावती ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर भेदभाव का जमकर आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। खबरों के मुताबिक अखिलेश ने कांग्रेस सपा गठबंधन होने की वजह बताई है। अखिलेश ने कहा है कि अगर परिवार में झगड़े ना होते तो कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं होता। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी 258 सीटों पर जबकि कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं अमेठी रायबरेली की 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लड़ाई पर अमर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अमर सिंह ने समाजवादी कुनबे की लड़ाई को सुनियोजित नाटक करार दिया है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा है कि मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश एक हैं और एक ही रहेंगे। अमर सिंह ने यह भी दावा किया है कि ये सब एक नाटक था जिसमें हम सबको भूमिकाएं दी गई थी। अमर सिंह ने कहा कि उन्हें बाद में महसूस हुआ कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान कल होना है। सपा कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के कदावर नेता वरुण गांधी अब तक चुनाव में कहीं नजर नहीं आए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें कहीं तरजीह नहीं मिली है, लेकिन मंगलवार को इंदौर में उन्होंने एक कार्यक्रम में मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। स्कूल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे गांधी ने रोहित वेमुला के सुसाइड का मुद्दा उठाया। दरअसल वरुण गांधी ने अल्पसंख्यकों के विकास पर सवाल उठाते हुए
मोदी सरकार पर सवाल निशान लगाया। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में 17.18% अल्पसंख्यक है, लेकिन इनमें से केवल 4% लोग उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। हमें इन समस्याओं को हल करना होगा। किसानों के आत्महत्या के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारे समाज में असमानता है। देश के बड़े औद्योगिक घरानों पर बकाया कर्ज माफ करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अमीरों को रियायत दी जाती है और गरीब कर्ज न चुकाने पर अपनी जान दे देता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने H-1B वीजा पर शर्त कड़ी करने के ट्रंप प्रशासन के इरादे को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। भारत चिंता की ओर इंगित करते हुए अमेरिका से कुशल प्रोफेशनल की आवाजाही पर तार्किक, संतुलित और दूरदर्शी नजरिया अपनाने की अपेक्षा की है। पीएम ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से बातचीत के दौरान H-1B वीजा का मुद्दा उठाया और इशारों में समझा दिया कि भारतीय प्रोफेशनल पर पाबंदी सही कदम नहीं होगा। ये पहली बार है जब इस मुद्दे पर मोदी की चिंता सार्वजनिक की गई है। पीएम ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बहुचर्चित चुनावी वादों में एक से विचलन की ओर इंगित किया है। पीएम मोदी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की श्रमंदी में भारत की भूमिका का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रोफेशनलों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान किया है और वो कानून का पालन करने वाले एवं समाज में घुल मिल कर रहने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल साइट फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता बन गए हैं। पीएम मोदी को फेसबुक पर 4 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें 2 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। बर्सन मार्स ट्रेलर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे नंबर पर पीएमओ का अकाउंट है, जिसके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी के अलावा फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टॉप 20 नेताओं में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी नाम शामिल है। आतंकवाद पर चारों ओर से खुद को घिरता देख पाकिस्तान ने अपने सुर बदल दिए हैं। अब उसने भी हाफिज सईद को आतंकी करार देते हुए उसे देश के लिए गंभीर खतरा तो बताया ही है, साथ में उसे नजरबंद भी कर दिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश हित में हाफिज सईद को नजरबंद किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जर्मनी स्थित म्यूनिख में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कहा कि सईद समाज के लिए एक गंभीर खतरा पेश कर सकता है और इसलिए देश के वृहद हित को ध्यान में रखते हुए उसे नजरबंद किया गया है। वहीं पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों के तहत जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और उसके संगठनों के सदस्यों को जारी 44 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही सईद और जमात और फलाह के 37 सदस्यों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसके तहत उनके देश छोड़ने पर रोक लगी हुई है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर चीन भारत स्ट्रेटजिक डायलॉग के लिए बीजिंग के दौरे पर हैं। जयशंकर ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ मुलाकात की है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद रोकने के लिए भारत चीन को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। चीन बहुत मजबूत है, वो जिस स्थिति में है उसमें काउंटर टेररिज्म बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बिहार के दरभंगा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने यूपी चुनाव के बहाने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू जी बड़ी पैरवी करके प्रचार के लिए यूपी गए हैं, जबकि ना ही लालू और नीतीश की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है और ना ही सिंबल किसी को दिया है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में ये लोग शामिल भी नहीं हैं, सिर्फ चुनावी तीर मारते हैं। शाहनवाज ने लोगों की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी और सपा कांग्रेस सभी का सफाया होगा। लालू जी बड़ी पैरवी करके आज प्रचार में गए। लालू जी या नीतीश जी की न पार्टी न सिंबल वहां है, न गठबंधन में सपा कांग्रेस ने अनाउंस किया कि इन लोगों का साथ भी है। सिर्फ कहा कि अखिलेश और राहुल जी का साथ पसंद है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि लालू जी नीतीश जी का भी साथ पसंद। फिर भी ये लोग अपने बयानों का तीर यहीं से चलाते हैं।
बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न कोई इनकी पार्टी लड़ रही है न वो लोग पूछ रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोद लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में मोदी को गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले योगेंद्र पाल योगी ने मोदी को गोद लेने का ऐलान किया है। योगी ने गोदनामा तैयार करा लिया है। सोमवार को योगी ने अपने वकील से गोदनामा के कागज तैयार करा लिए और मंगलवार को गाजियाबाद तहसील में रजिस्ट्रार के यहाँ पेश किए। राष्ट्रीय कवि कृष्ण मित्र के बेटे हिमांशु लव और भतीजे राकेश लव गोदनामा के गवाह बनाए गए हैं। गोदनामा पर योगी ने लिखा है कि उनकी एक बेटी और तीन बेटों के साथ अब नरेंद्र मोदी उनके दत्तक पुत्र होंगे। पतला नगर पंचायत पतला तहसील मोदी नगर जिला गाजियाबाद हाल यहाँ मैं रहता हूँ गाजियाबाद में। आपने मोदी जी को गोद लेने के लिए गोदनामा तैयार करवाया, कौन सी तहसील से कराया है, क्यों करवाया? गाजियाबाद से करवाया, गाजियाबाद तहसील से करवाया। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसने ये लारी साहब थे खान लारी खान, उन्होंने मोदी जी को नोटिस दिया कि आप ये 7 दिन के अंदर हमें कागज दिखाइए कि आप को गोद किसने लिया है। तो कोई बोला ही नहीं, ना कोई नेता बोला ना कोई कार्यकर्ता बोला। मैंने फिर मेरे दिमाग में आई मेरे गोद हम लेंगे और मैंने जब गोद लिया। अगर चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में 7 विधानसभा हैं, जिसमें से 5 विधानसभा पर पुरुषों की सबसे बड़ी भागीदारी है। वहीं से कड़ी में महिला प्रत्याशी भी पीछे नहीं है। वहीं 2 विधानसभा सीटों पर सलेमपुर और रामपुर कारखाना में महिलाओं ने पुरुषों से हाथों से हाथ मिला के विकास की गंगा बहाने की बात की है। महिला प्रत्याशियों का कहना है कि अब देवरिया के विकास में वो भी अपना पूरा पूरा योगदान देंगी। देखिए हमारी जो सरकार बनी है समाजवादी पार्टी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है वो बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है, बहुत कुछ आगे बढ़ा है बिजली के क्षेत्र में या सड़कों के मामले में या समाजवादी पेंशन बेसहारा गरीब औरतों के मामले में, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी रह गए हैं। और मैं समझती हूँ कि जितने गरीब बेसहारा औरतें यहाँ पर हैं उनको सहारा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ज़रूर करेंगे समाजवादी पेंशन के ज़रिए भी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की शिक्षा, और तमाम महिलाएं जो हैं वो अभी भी अशिक्षित हैं, बेरोज़गार हैं, इसकी भी शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके आप लोगों की बातें हम लोग कहेंगे और ज़रूर इस क्षेत्र में कामयाबी हमें मिलेगी। और जो सड़कों का जो बाकी रह गया है काम उसको भी हम लोग जल्दी। विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में 4 मार्च को होने जाने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं प्रशासन ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने को कमर कस ली है। दरअसल यूपी के देवरिया के जिला अधिकारी अब्रार अहमद और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद इमरान समेत जिले के आला अधिकारी संवेदनशील बूथों का दौरा करने पहुंचे, साथ ही जनता से अधिक मतदान करने की अपील भी की और जनता को पूरा आश्वासन दिया कि पूरी सुरक्षा उन्हें दी जाएगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सीमा बॉर्डर चौकी क्षेत्र की रेलवे लाइन पर 2 अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। इन दोनों शवों में एक शव युवक और दूसरा युवती का है। दोनों मृतकों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शुरुआती जाँच में पुलिस दोनों को प्रेमी युगल बांधकर आत्महत्या का अंदेशा भी जता रही है। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी मौत की असल वजह क्या है इसकी पड़ताल की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर के कंकोर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपने मेडिकल स्टोर से घर लौट रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। प्रवक्ता अशोक भाटी के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन हत्या के पीछे एक इंटर कॉलेज की रंजिश बांध रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कॉलेज के मैनेजर से ग्रामीण नाखुश थे क्योंकि ग्रामीण मैनेजमेंट में बदलाव चाह रहे थे। ये कल शाम का मामला है, वो युवक अपना गांव में वापस आ रहे थे अपनी कार से, उसमें कुछ बदमाशों अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी जिसकी हत्या हो गई। इसमें पीएम की कार्रवाई हो गई है। घर वालों की तहरीर में एक आदमी को बाइस्पर किया गया है। एक इंटर कॉलेज को लेके वहाँ मैनेजमेंट का विवाद था। इस बिंदु पे हम लोग कुछ डेवलपमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है
उसमें भी शीघ्र जो भी दोषी उनके खिलाफ हम लोग गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे बच्चा पारसोल में मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, 34 साल चल रही है। किसी से मेरे कोई झगड़ो झगड़ा तो हो ना, मेरी इंटर कॉलेज से वाद विवाद हो, वहाँ में मेरी लड़का एक किस्म को जैसे गामन में सिरमोहर कह दें इस टाइप से रौला दा कर रहो, और वही रौला दा मेरे लड़का ले गए। ना मेरे गांव में दुश्मन, ना इलाके में दुश्मन, मेरे इंटर कॉलेज दुश्मन बनो, गोली मारी है। किसानों की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में सड़क पर उतरकर कानपुर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया और इसके साथ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी यहां देखने को मिली, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए सड़क पर लगाए गए बैरियरों को इन कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंका। इस दौरान घंटों तक शहर में जाम की स्थिति बनी रही। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने बताया कि आज कानपुर पुलिस का पुतला इसलिए फूंका गया है क्योंकि जो जिला हमीरपुर है वहां समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों की सैकड़ों हेक्टर भूमि का अधिग्रहण कर रही है। सपा सरकार कह रही है कि हमने किसानों के साथ बड़ा इंसाफ किया है, बिना मुआवजे के पावर प्लांट लगा दिए। पुलिस प्रशासन ने हमारे जिला अध्यक्ष के साथ अभद्रता करते हुए 19 जनवरी से उन्हें अरेस्ट किया हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह आदेश है कि 1 मार्च को पूरा कानपुर जाम रहेगा, वहां के प्रशासन का घेराव होगा और उसी कड़ी में प्रदेश में प्रदेशव्यापी ज्ञापन धरना और पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया गया है। आज कानपुर पुलिस का पुतला इसलिए फूंका गया है, जो जिला हमीरपुर है वहां पे सपा सरकार एक किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रही है, फ्री में अधिग्रहण। ये जो सपा सरकार कह रही है कि किसानों के साथ में हमने बड़ा इंसाफ किया है, वहाँ पे बिना मुआवजे के कोई पावर प्लांट लगा के मुआवजा नहीं मिला। वहाँ के किसानों ने जब भारतीय किसान यूनियन के बैनर के साथ में आकर विरोध किया तो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में अभद्रता करते हुए उसको अरेस्ट किया हुआ है 19 जनवरी से। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ये आदेश है, 1 मार्च को पूरा कानपुर शहर जाम रहेगा, भाजपा प्रशासन का घेरा होगा, उसी कड़ी में आज प्रदेश व्यापी ज्ञापन धरना और पुतला फूकने का एक आयोजन किया गया, उसी कड़ी में आज मुजफ्फरनगर में कानपुर पुलिस का पुतला फूका गया है। बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां लगभग 1 महीने पहले NH-58 पर लंबे समय तक चर्चित रहे कुख्यात यशपाल राठी की हत्या का खुलासा पुलिस ने आखिरकार कर ही दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे एक पिस्टल, एक देशी तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी ने बताया कि उसने ये हत्या मान सम्मान के लिए करवाई थी। दरअसल यशपाल राठी की कुछ बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद यशपाल के परिजनों ने हाईवे पर जाम भी लगाया था। पुलिस ने इस मामले को जल्द ही सुलझाने का आश्वासन देकर मामला शांत भी किया था। देखिए, विगत 25 जनवरी को थाना मंसूरपुर में एक बहुत ही दुस्साहसिक घटना हुई थी, जिसमें वहां भगत जी स्वीट्स के मालिक यशपाल राठी की शाम को बीच बाजार में उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना सरेआम होने के कारण और चैलेंजिंग होने के कारण हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और CO खतौली, इंस्पेक्टर मंसूरपुर, इंस्पेक्टर खतौली, इनकी टीमें लगी हुई थी। कल जो है हमारी टीम को बहुत अच्छी सफलता हाथ मिली कि जो हत्या में 2 शूटर जिसने हत्या की थी वो गिरफ्तार हुए, साथ ही साथ जिन्होंने प्लानिंग की थी वो 4 व्यक्ति अन्य भी गिरफ्तार हुए हैं। इन सभी के पास से जो हत्या में प्रयुक्त पिस्टल है और कारतूस ये बरामद हुई। सात फेरे लेकर जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करने वाले पति के ऊपर ऐसी हैवानियत सवार हुई कि उसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कौशाम्बी के गुवारा गांव में आपसी क्लेश के बाद पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की, लेकिन इतने पर भी जब पति का मन नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति शव को बक्से में बंद कर मौके से फरार हो गया। काफी देर तक जब महिला लोगों को नजर नहीं आई तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान बक्से में शव को देख सभी के होश उड़ गए। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। विवाहिता के पिता ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या की तहरीर थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। काम पे था, मेरे पास फोन आया बॉम्बे से, वो अलीगढ़ से, और मेरे पिताजी ने मेरे पास फोन किया कि बोले यार वो बॉम्बे से
बहन तुम्हारी आई है, जाकर उनको पता करो आए कि नहीं आए घर। तो हम लोग दो आदमी गए वहाँ पर, वहाँ पे गए हम, बैठे थे, देखे, राजी खुशी थी, पूछताछ किए, और फिर उसके बाद हम करीब डेढ़ घंटे बाद वहाँ पे निकले, 3 बजे तक निकले आए हम, और फिर घर पे यहाँ पे आए तो 1-2 घंटे के बाद पता मिली हमें कि मार के उसको बक्से में बंद कर दिया। ये महिला अपने पति के साथ बॉम्बे से भी 2 दिन पहले आई थी, और 10 साल पहले उसकी शादी भी, 2 बच्चे भी हैं, और जो जानकारी मिली है इसका भाई आया हुआ था, तो कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर के बातचीत हुई होगी, जिसमें इनमें आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद जो मारपीट हुई थी। बाद में पता चला कि पत्नी की डेड बॉडी बॉक्स में मिली और उसका पति जो है गायब है। यूपी के शामली में 15 अप्रैल 2011 में हुए अपहरण कांड का खुलासा करने के लिए सीबीआई की टीम और शामली पुलिस प्रशासन हर तरह की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी मामले का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके चलते दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने शामली में अपहरण के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें अपहरण का पता लगाने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि अनमोल का ट्यूशन जाते समय अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद बदमाशों ने फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। उस समय फिरौती ना देने पर परिजनों को बच्चों को जान से मारने की लगातार धमकी भी मिल रही थी। कार्यवाहक कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और फिर 2 रन लेकर भारत को आईसीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 1 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 244 रन बनाए। भारत को आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और हरमनप्रीत ने फुल टॉस को लॉन्ग ऑन पर खेलकर तेजी से 2 रन लेने का साथ ही भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 245 रन बनाए। हरमनप्रीत 41 गेंद पर 41 रन बनाकर नाबाद रही, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।